अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माई वाइट फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज ये 28 रमज़ान है खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, और आज गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो मुझे भी कुछ बनाना था खाने के लिए, मतलब शाम के खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो है वो पैठे का हलवा बना लूँ, लेकिन अंदर किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर इसको काट लेती हूँ, तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये पैठा वगैरह बाहर रख दिया, अभी मैं इसको इधर बैठ के काटूंगी। मैंने सोचा इतने दिन से ये बेचारा पड़ा हुआ ऐसे बददुआएं दे रहा होगा, तो इसको जो है आज ना काट लेते हैं। तो ये जी हमने इसको काट लिया बड़ी मेहनत के साथ। अभी इसके ना मैं पहले बीज निकाल देती हूँ, वैसे इसके बीज मैं ना सुखाऊंगी, मतलब बाद में मैंने उगाने के लिए। अंग्रेज लोग तो भाई चम्मच से निकालते हैं, हमें देसी लोग तो हम तो हाथ से निकालेंगे, क्योंकि बाद में इसको धो देना है हमने। मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही है, क्योंकि हम दो ही लोग हैं जिंदगी में भी और घर में भी। तो अभी वो जो है मेरी कैमरामैन बनी हुई है, पहले पहले उठ के उसने बेचारी ने, मैंने उसको काम पे लगा देती हूँ उसको, कि घर की सफाई करो, वो घर की सफाई वगैरह, ताकि बच्चियों को ना काम आना चाहिए, कल को पराए घर जाके भी करना है तो अब तो माँ बाप को पहले जो है वो क्या कहते हैं उनका हाथ बटाना चाहिए, सुख दे के जाना चाहिए। मैंने कहा आज मुझे सुख दे दो, पता नहीं कल को तुम्हारा नसीब कहाँ है, लोगों के घर भी जाके बर्तन मांझने, वो मेरे घर के ही मांझ दो। अब इसको हम काटेंगे। और इसको मैं रखूंगी अंदर, और ये जो इसके छिलके हैं ये भी मैंने काट लिए हैं, रख रही हैं, इसका भी कुछ बनाऊंगी लेकिन वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, फिलहाल इनको मैं अंदर रखती हूँ। ये इसके बीज मैंने अलग रख लिए हैं, क्योंकि बीज आपको तो उगाने के काम आते हैं, बहुत से काम आते हैं, तो मक्खियों ने शक किया हुआ वैसे। अभी मैं इनको धो लेती हूँ। बल्कि मैं आसानी के लिए पतीले के अंदर ही डाल के इनको धो लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने इनको साफ साफ धो लिए। तो अब इनको हम किस तरह करेंगे, पानी निकालने का नया तरीका, कोई आपके पास छलनी हो उसको भी कर सकते हो, वरना देसी तरीका छाबियां जिंदाबाद। ये जी पानी खत्म हो गया, इसको रख देंगे चूल्हे पे। और इसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन। आप चाहें तो इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, वैसे हम लोग नहीं करते, तो मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही, मैंने वैसे चूल्हे पे रख दिया, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो जी मैंने ये देखें मधानी के साथ इसको क्या बना दिया है, माशाल्लाह से हमारा खूबसूरत सा हलवा तैयार हो चुका है। और इसमें लास्ट जो है वो लास्ट प्रोसेस ये है कि मैं इसमें घी डालूंगी, मेरे पास ना घर का बना है जो मलाई वगैरह इस तरह होता है ना,
वो बना हुआ मेरे पास देसी घी है, तो मैं इसमें थोड़ा, क्योंकि हम लोग ना इतना घी खाते नहीं है और हम सिर्फ ना चीजों को घी दिखाते हैं, देखिए इस तरह होता है। तो तीन और ये 3.5 चम्मच, ठीक है। क्योंकि देखिए घी खाना मकसद नहीं होता, मकसद होता है चीज को अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना। तो ये अभी देखिए माशाल्लाह से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घी है लेकिन इसमें बहुत हो गया है। अभी ये अपने लास्ट प्रोसेस में है, मैं इसको अभी सारा मिक्स करके बंद करूंगी तो फिर आपको दिखाएंगे जब ये तैयार हो जाएगा। वैसे मैंने इसकी गार्निश के लिए ना इसके ये काट के रख दिए, अब मैं इसको बंद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने बना लिया है, ये बैठे का हलवा। और अभी हम चले इसमें थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, बाकी बाद में स्टोर करेंगे हम। थोड़े से बादाम और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो मक्खी बिल्कुल इधर नहीं आना, वैसे किचन में आती तो नहीं, लेकिन आपको पता मौसम ऐसा है तो मैं एग्जॉस्ट चला देती हूँ। तो चलिए जी, शाम को ये ट्राई होंगे, शाम को खाया जाएगा। तो आज का ब्लॉग जो है हम लोग यहीं एंड करेंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार मिलेगा, हम लोग आगे जाने इंशाल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।